सो गाइज यार, आप लोगों के बहुत सारे मैंने कल कमेंट्स पढ़े हैं और आप लोगों ने इतना कुछ उल्टा बोला है। मैं जानता हूँ आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही हो, लेकिन यार आप लोग बताओ, आप लोगों के जब घर में लड़ाइयाँ होती है मम्मी पापा के बीच, तो आप लोग क्या करते हो? लड़ाई को सॉल्व कराते हो, लड़ाई में घी डालने का काम करते हो, या लड़ाई को और बढ़वाते हो? यार बहुत सारे लोग हैं, कम से कम कल की वीडियो पे 1000 कमेंट आए होंगे बहुत सारे लोगों के, जो कि बोल रहे हैं कि किंजल तुम बिल्कुल सही हो, घर राज के बाद वापस मत जाना, वरना ये फिर से वो चीज़ करेगा दोबारा, और राज कभी बदल नहीं सकता है, राज ऐसा है, राज वैसा है। यानी कि यार आप तो उल्टा और कर रहे हो कि वो बंदी वापस ना आए मेरे पास। यार आपको लोगों को पता है परसों उसका बर्थडे है, और मैंने बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन वो माँ ने तब तो मिल नहीं रही है। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ उसके लिए करूँ, बट समझ नहीं आ रहा है। एंड ऐसे यार कब तक अकेले रहेगी वो, ये बताओ अकेले वो क्या कर लेगी? यार मैं मानता हूँ लड़कियाँ बहुत कुछ आजकल कर लेती है, लेकिन फिर भी यार उसके लिए मैं हूँ ना अब। पहले चलो अकेली होती तो चलो ठीक था, लेकिन सब कुछ तो मैं हूँ उसका। तो आप लोगों को तो उल्टा उसको समझाना चाहिए मैसेज करके कि राज को एक बार तो माफ़ी दे दो यार, एक बार तो माफ़ कर दो यार। आप लोग तो उल्टा उल्टा इतना कुछ बोल रहे हो यार, अच्छा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि आप लोगों से भी शेयर जो करता था पहला वाला राज, वो सारी चीज़ें भी छोड़ दूँ, शेयर भी ना करूँ आप लोगों से कोई भी चीज़। तो यार मतलब आप लोग इतना प्यार करते थे मुझसे और किंजल दोनों से, लेकिन अब तो ऐसा कर दिया है कि यार प्यार व्यार सारा खत्म हो गया है, इस टाइप का लग रहा है पूरा। अब मुझे पता है, मैंने कल भी किंजल से बात करी, पता है कल क्या बोल रही है? वो कई जॉब वॉब के लिए जा रखी थी, एंड पता नहीं क्या यूट्यूब से, तो उसने बिल्कुल वो कर दिया है कि अब कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं वीडियो बनानी ना कुछ। आप लोग यही चाहते हो कि किंजल अब बिल्कुल कुछ भी ना करे? यार प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है यार, आप ही लोग हो जो समझा सकते हो, क्योंकि आप लोग ही बुरा बोलोगे तो उसके दिमाग में यही पड़ेगा कि सही बोल रहे हैं सारे लोग, जब दुनिया सही बोल रही है तो यानी कि मैं ही गलत हूँ अकेली। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार ऐसा कर दो कि वो वापस आ जाए, वापस माफ़ कर दे, क्योंकि यार मेरे को उसके लिए बहुत कुछ करना, उसका बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे जो कि हम इस तरीके से चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे साथ में। तो आप लोग नहीं चाहते यार, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार आप लोगों से, इतना कर दो। और गाइज यार पता है आप लोगों को मेरी फैमिली भी बोल रही है कि किंजल को वापस लाने के लिए, किंजल से बात भी करी थी लेकिन फिर भी अभी तक किंजल घर पे नहीं आई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। वो आई थी लेकिन हम लोग जब थे नहीं, लेकिन किंजल प्लीज़ यार आ जाए यार। मैं अब क्या बोलूँ यार, मेरे को वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता कि ये सारी चीज़ें ऐसे शेयर करते जा रहा हूँ मैं चीज़ों को। प्लीज़ वापस से हम सारी चीज़ें अच्छी कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता गाइज। और गाइज यार अब सिर्फ आप ही लोग हो जो मुझे देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि यार मेरी किंजल के भाई से भी बात हुई है, और किंजल के भाई ने यार एक सीन कर दिया है कि मेरा उसका भाई मतलब पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैंने किंजल की ज़िंदगी पर बात कर दी है। पता नहीं क्या क्या ऐसे आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर जो कि मेरे बस की नहीं है भाई संभालना। तो किंजल अगर देख तू समझ सकती है तो एक तू ही है जो मुझे इन सब चीज़ों से निकाल सकती है, बचा सकती है, तो एक लास्ट चांस दे दे। भगवान भी यार एक चांस देते हैं बंदों को, तू तो यार एक इंसान है, बस अपने प्यार के लिए कम से कम एक चांस दे दे यार। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ही लोग समझाओ बस यार, छोड़ो।